आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं साबूदाने की नमकीन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नवरात स्पेशल नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलू लिया है। ये लाल वाले आलू हैं, इनको मैंने बढ़िया से छील लिया है। यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है। ये साबूदाना मीडियम साइज के हैं, ज़्यादा बड़े वाले साबूदाना नहीं हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे हैं। तो इसको मैं एक साइड रखती हूँ और ये आलू को भी एक साइड रखती हूँ। यहाँ मैंने एक प्लेट लिया है और ये कद्दूकस लिया है। अब इसमें हम आलू के थोड़े लच्छे बनाएंगे कुछ ऐसे। इसके लच्छे बना लेंगे बढ़िया से। लच्छे हमारे आलू के बन गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इनको हम तीन चार पानी से बढ़िया एकदम साफ बढ़िया धो लेंगे। जब तक इसमें बढ़िया साफ पानी ना आ जाए तब तक इसको हम बढ़िया से धोएंगे। हमने आलू के लच्छे को बढ़िया से धो लिया है। हम इसको ठंडे पानी से धुला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ठंडा पानी है। अब ये बढ़िया साफ़ पानी है, बहुत बढ़िया परफेक्ट है। तो इनको हम लगभग एक मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे इसमें और फिर इसको एक सूती कपड़ा में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी पूरा सूख जाए। तो हम इसको सूती कपड़ा में फैलाएंगे। आलू को पानी बढ़िया से निकाल चुके हैं। अब इसको थोड़ा से ऐसे करके पानी इसका ऐसे गाड़ देना है। ये एक तौलिया में हम डाल रहे हैं सभी लच्छों को। देखिए कितना पानी निकल रहा है। इसको हम छन्नी से छाने थे तब भी इसमें पानी काफ़ी हद तक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही सभी लच्छों को कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको ऐसे फैला के और ऐसे ऐसे इसका पानी सुखा देंगे ताकि बढ़िया पानी सारा निकल जाए। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है। तेल लगभग बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। साबूदाना निकालने के लिए तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक चलनी ले रहे हैं, आटा चालने वाली। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे। अब इसी में हम साबूदाना निकाल, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साबूदाना ऐसे डालेंगे और इसको चलाते हुए बढ़िया से निकालेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी से हो जाते, फैल जाते, छोटे छोटे दाने हैं तो सब बहुत फिर दिक्कत होती है। उसको कलछुल में जल्दी से नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम चलनी का इस्तेमाल किया है, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसको बस ऐसे चलाते हुए बढ़िया साबूदाने निकालने, बढ़िया इसके लावे बढ़िया फूट जाएँ। देखिए बहुत परफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए तभी बढ़िया से फूटेंगे। तो ये लगभग हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फूले हैं साबूदाने। मैंने ऐसे करके बढ़िया तेल बढ़िया इसका निकाल दिया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो उसमें बढ़िया इसको डाल दीजिए। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे, बहुत आसानी से बन जाते हैं चलनी से। तो यहाँ चलनी बहुत ज़रूरी होता है नमकीन बनाने के लिए, तो मैंने चलनी इस्तेमाल किया है। एकदम सही तरीका है ये। यहाँ पे हमने फिर से चलनी रख दिया है। अब इसी तरह हम ये साबूदाना भी निकाल लेंगे। इतना ध्यान रखिए कि तेल बहुत बढ़िया गर्म होना चाहिए, एकदम मीडियम नहीं होना चाहिए तेल। तो हम फुल आंच पर निकाल रहे हैं इसको चलाते हुए। बस इसको ऐसे चलाते हुए निकालना है और तेल गार के इसको बाहर प्लेट में निकाल लेना है। देखिए हम कुछ ऐसे कर रहे हैं। आलू के लच्छा जो हमने बनाए थे इसका पानी बढ़िया निकल गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं आपको। देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर हो सके तो इसको पंखे के नीचे थोड़ा सा डाल दीजिए तो उससे जल्दी पानी सूख जाता है। तो हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए हम इसको पंखे के नीचे डाला था तो इसका पानी बढ़िया सूख गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बढ़िया परफेक्ट है एकदम। अब ये रेडी है निकालने के लिए तेल में। अब यहाँ पर हम फिर से चलनी रखे हैं। अब हम आलू के लच्छे निकालेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ हम ऐसे कुछ निकाल रहे हैं। इससे बहुत आसानी से बनता है, आप एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छे से बन जाते हैं आलू के लच्छे। सभी चलनी का बहुत अच्छा आइडिया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा परफेक्ट बनते, बस इसको चलाते हुए तेज आंच में ऐसे निकालना है, बढ़िया इसको गोल्डन ब्राउन करना है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जितना गोल्डन पसंद करते हैं, लाइट कलर पसंद करते हैं लाइट कलर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गोल्डन निकालूंगी, तो ये देखिए हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत बढ़िया एकदम गोल्डन हमने आलू के लच्छे निकाले हैं। इसी तरह हम दो और आलू के लच्छे निकालेंगे, बहुत परफेक्ट मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये बढ़िया कड़े भी हैं, कुरकुरे बढ़िया बने हैं, बहुत बढ़िया बने भी, गरम है ये अब, बहुत अच्छे हैं, देखिए मस्त है एकदम। तब इसको हम तेल गार के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी में मैं थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने मखाने लिया है, तो ये घी इसमें मैंने डाला है, घी मेरा गर्म हो चुका था मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं धीमे धीमे यहाँ से बढ़िया इसको कड़ा बढ़िया होने तक भूंजूंगी। अब यहाँ पर हम धीमे धीमे यहाँ से इसको बढ़िया भूंजेंगे। अगर आपके पास मखाने नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो आलू के लच्छे और साबूदाना से भी बना सकते हैं, क्योंकि व्रत के लिए भी बहुत चीज़ें पड़ी हैं ऐसी कि हम इसमें नमकीन में डाल सकते हैं। तो दो ही चीज़ में आप नमकीन रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, थोड़े से हम इसमें काजू ऐड करेंगे, थोड़े से बादाम। अब इसको धीमे धीमे यहाँ से हमको बढ़िया कड़ा ही भूंजना है। हम यहाँ थोड़े से काजू डाले हैं, बादाम भी डाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी चीज़ों को बढ़िया कड़ा होने तक बढ़िया भूंजेंगे, बहुत परफेक्ट है। अगर करी पत्ता हो तो आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा घी डालिए यहाँ पास और उसमें करी पत्ते का बढ़िया तड़का लगा दीजिए, तो बहुत परफेक्ट और होता है। हम यहाँ पर करी पत्ता यूज नहीं कर रहे हैं। नमकीन की हमारी सारी सामग्री रेडी हो चुकी है, बहुत परफेक्ट बने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना बहुत बढ़िया है, ये देखिए बहुत परफेक्ट बना है। और यहाँ पर हमारा आलू भी बहुत अच्छा है, रेडी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम लच्छे बढ़िया इसके टाइट हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई किया है, देखिए ये भी बहुत परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिलाएँगे। अगर आप व्रत के लिए मिला रहे हैं, बना रहे हैं इसको, तो आप व्रत वाला सामग्री डाल सकते हैं। अगर आप बिना व्रत के लिए बना रहे हैं, इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं नाश्ते के लिए चाय के साथ, तो आप जो है ये वाला नमक डाल दीजिए, नहीं तो इसमें सेंधा नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक व्रत के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम यहाँ पर व्रत स्पेशल ही बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है। अगर नमक खाते हैं तो नमक डालिए, नहीं तो बिना इसके ही बहुत अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने गोल मिर्च लिया है, जिसको काली मिर्च बोलते हैं, तो यहाँ मैंने पाउडर डाला है। और यहाँ पे थोड़ा से इसको ऐसे करके मिला लेंगे, ये व्रत के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो इसमें डालिए, नहीं तो बिना इसके ही बना लीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो देखिए हमारी नमकीन बढ़िया रेडी हो गई, बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, बहुत आसान तरीके से ही बन जाती है, घर के सामग्री से ही, बचे हुए समाजों किचन में रहता है मौजूद उसी से बहुत अच्छे परफेक्ट बन जाती है ये। तो देखिए हमारी नमकीन बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा मिर्च तो व्रत में खाया जाता है, तो हरा मिर्च डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, सेंधा नमक भी लोग खाते हैं। तो ये देखिए हमारी नमकीन एकदम बढ़िया रेडी हो चुकी है, बहुत परफेक्ट बनी है। तो लीजिए हमारी नमकीन बढ़िया रेडी हो चुकी है, ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, आप एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छी नमकीन सरल तरीके से बन जाती है। अगर ये रेसिपी हाँ आपको हमारी पसंद आए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।